ये बात 1971 की है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर एक मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में रूस के राजदूत निकोलाई पेगोव, वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, उनके साथ ही यूआर राव और साथ ही डीपी धर भी मौजूद थे, जो उस वक्त रूस में भारत के राजदूत थे। साराभाई इंदिरा को सैटेलाइट बनाने का पूरा प्लान समझा रहे थे। उन्होंने इंदिरा को भरोसा दिलाया कि वो बहुत कम पैसे में ही ये सैटेलाइट बना लेंगे, लेकिन इसे अंतरिक्ष में भेजने के लिए उन्हें जरूरत थी एक रॉकेट यानी कि एक लॉन्चिंग व्हीकल की। इंदिरा ने उनसे पूछा कि रॉकेट कहां से आएगा। इस पर साराभाई ने रशियन एम्बेसडर निकोलाई पेगोव की तरफ देखकर कहा, लॉन्चिंग व्हीकल तो हमें रूस से ही मिल जाएगा। निकोलाई ने साराभाई की तरफ घूर कर देखा और थोड़ा ठहर कर बोले, पहले ये बताइए कि चीन ने जो उपग्रह लॉन्च किया है वो कितना बड़ा है। उनका ये सवाल सुनकर हर कोई हैरान रह गया। तब यूआर राव ने कहा, 190 किलो। इस पर निकोलाई पेगोव इंदिरा गांधी और साराभाई की तरफ देखकर बोले, लॉन्च व्हीकल देने के लिए मेरी एक शर्त है कि भारत का पहला उपग्रह चीन से बड़ा होना चाहिए। जितनी अजीब ये शर्त थी उतना ही कठिन ये काम, क्योंकि तब भारत के ज्यादातर साइंटिस्ट तो ऐसे थे जिन्होंने कभी सैटेलाइट देखा ही नहीं था। ऐसे में इतना बड़ा सैटेलाइट बनाना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी साराभाई ने शर्त मान ली और इसी के साथ शुरू होता है मिशन आर्यभट्ट। मैत्री जवाहर और आर्यभट्ट, सैटेलाइट का नाम क्या हो, इसके लिए वैज्ञानिकों ने इंदिरा को तीन ऑप्शन दिए थे। इंदिरा ने आर्यभट्ट को चुना, लेकिन इतिहास बताता है कि रूस से ये डील फाइनल होने से पहले ही साराभाई और उनकी टीम उपग्रह बनाने में जुट गई थी, क्योंकि साराभाई को अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने ये वादा किया था कि वो भारत को अंतरिक्ष तक लेके जाने में उनकी मदद करेगा। अमेरिका के भरोसे पर साराभाई ने देश के टॉप 25 इंजीनियर्स की टीम तैयार की और इसका चीफ बनाया यूआर राव को। राव की टीम 100 किलो के सैटेलाइट को डिजाइन करने में लगी हुई थी, लेकिन रूस के साथ डील फाइनल होते ही उन्हें देश के लिए 350 किलो का सैटेलाइट बनाना था। रूस ने ये वादा किया कि रशियन साइंटिस्ट भारत के वैज्ञानिकों की मदद करेंगे, लेकिन रूस के वैज्ञानिकों को ये भरोसा नहीं था कि भारत इसे बना पाएगा, इसीलिए वो 6 महीने में सिर्फ एक बार मीटिंग के लिए आते थे। रूस ने भारत से ये तक कह दिया था कि वो बस पेलोड बनाए और उसे रशियन सैटेलाइट के साथ लॉन्च करे, लेकिन यूआर राव नहीं माने। आखिरकार रूस को झुकना पड़ा, लेकिन दिसंबर 1971 में विक्रम साराभाई भी दुनिया को अलविदा कह गए और तब लगा कि ये प्रोजेक्ट अब रुक जाएगा। लेकिन राव रुके नहीं, उन्होंने थुम्बा से सैटेलाइट बनाने का काम बेंगलोर में शिफ्ट किया, जहां 4 शेड्स के नीचे वो वैज्ञानिक उपग्रह बना रहे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी उपग्रह नहीं देखा था। किसी को विश्वास नहीं था कि भारत ये कर पाएगा, लेकिन राव हार मानने को तैयार नहीं थे। उनके साइंटिस्ट दिन रात काम करते रहे और करीब 4 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट बनकर तैयार हो जाता है। इसे लेकर सतीश धवन और यूआर राव समेत टोटल 30 वैज्ञानिकों की टीम रूस के कपुस्टिन्यार सिटी में पहुंचती है, जहां से इसे लॉन्च किया जाना था। 19 अप्रैल 1975 दोपहर के 12 बजे काउंटडाउन शुरू होता है। रशियन में लेट्स गो की आवाज गूंज उठती है और रूस का रॉकेट आर्यभट्ट को आसमान की तरफ ले जाता है। 12 मिनट बाद ही ये खबर मिलती है कि आर्यभट्ट अपनी तय कक्षा में चक्कर लगाने लगा है। इसी के साथ ही भारत अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने में कामयाब हो जाता है। भारत ने इतिहास रच दिया। ये खबर अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बन गई। लोग खुश थे और वैज्ञानिक एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। लेकिन जब सतीश धवन ने यूआर राव की तरफ देखा तो राव की आंखों में आंसू थे, आंसू खुशी और गम के। खुशी इसलिए क्योंकि उन्होंने ये कर दिखाया था, और गम इसलिए क्योंकि ये दिन देखने के लिए अब साराभाई जिंदा नहीं थे। विक्रम साराभाई, वो साइंटिस्ट जिन्होंने IIM अहमदाबाद और इसरो को बनाया। सब जानते थे कि इसरो ने एक दौर वो भी देखा जब रॉकेट के पार्ट्स को
साइकिल और बैलगाड़ियों पर लाना पड़ा। वैज्ञानिकों को कभी चर्च, कभी गौशाला, तो कभी टिन शेड के नीचे काम करना पड़ा। लेकिन आज उसी इसरो ने न सिर्फ चांद पर भारत का झंडा फहराया है, बल्कि देश के लिए हर साल अरबों रुपए का मुनाफा भी कमा रहा है। इतिहास की गहराइयों में झांक कर देखा जाए तो पता चलता है कि न जाने कितनी सारी कहानियां छिपी है इसरो के बनने और कामयाब होने के पीछे, मगर अफसोस कि हमें कभी ये सुनाई ही नहीं गई। आइए आज इन्हीं कहानियों को सुनते हुए तय करते हैं एक सफर इसरो के इतिहास का। 4 अक्टूबर 1957 की बात है, जब रूस ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया। ये खबर सुनते ही अमेरिका बौखला गया और रूस से आगे निकलने के लिए उसने एक साल बाद ही यानी कि 1958 में अपना पहला सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 अंतरिक्ष में भेजा। यहीं से रूस और अमेरिका में अंतरिक्ष पर कब्जा करने की होड़ मच गई, क्योंकि ये दोनों देश जानते थे कि आने वाले वक्त में दुनिया पर राज करने के लिए अंतरिक्ष को फतेह करना कितना जरूरी है। इधर भारत को आजाद हुए अभी 10 साल ही हुए थे। आजादी के साथ ही हमें बंटवारे और जंग के घाव मिले थे सो अलग। वहीं 1957 से लेकर 1966 तक के 9 सालों में बार बार अकाल पड़ने के कारण हालात इतने बुरे हो गए कि उड़ीसा, बंगाल और बिहार जैसे राज्यों के लोग कई कई दिनों तक भूखे रहा करते थे। खाने के लिए गेहूं तक सरकार को अमेरिका से मंगवाना पड़ता था। ऐसे में भारत को विज्ञान की दुनिया में महान बनाने का ख्वाब आखिर कौन देखता। लेकिन ये ख्वाब देखा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। भाभा फिजिक्स के जीनियस साइंटिस्ट थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराकर सालों से चल रहे विश्व युद्ध को एक ही झटके में खत्म कर दिया, तब भाभा ने भारत के लिए परमाणु बम बनाने की ठानी। देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भाभा अच्छे दोस्त थे। भाभा ने नेहरू को बहुत समझाया। उनके कहने पर नेहरू ने 3 अगस्त 1954 को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की और भाभा को इसका चीफ बना दिया। उसी वक्त में भाभा की दोस्ती एक और होनहार साइंटिस्ट से होती है और ये साइंटिस्ट थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के एक कारोबारी अम्बालाल साराभाई के घर पैदा हुए विक्रम साराभाई को बचपन से ही जीनियस कहा जाता था। कहते हैं कि एक बार जब गुरु रविंद्रनाथ टैगोर उनके घर आए तो विक्रम को देखकर वो बोले कि एक दिन ये लड़का देश के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। ऐसा हुआ भी। बड़े होकर विक्रम साराभाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चले गए और पढ़ाई पूरी होने के बाद वो बेंगलोर शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने सर सीवी रमन की लैब में कॉस्मिक किरणों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। सीवी रमन भारत के वो महान वैज्ञानिक जिन्हें उस दौर में नोबेल प्राइज मिला था। सीवी रमन मेघनाथ साहा, रामानुजम, जगदीश चंद्र बसु जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों को उस वक्त रिसर्च करने के लिए विदेशों में जाना पड़ता था, लेकिन रमन ने अपनी लैब बेंगलोर में बनाई और उसी लैब में काम करते करते सारा भाई ने कई ऐसे रिसर्च किए कि उनका नाम देश विदेशों में छा गया और उनकी पहुंच सीधे प्रधानमंत्री तक हो गई। अब एक तरफ जहां भाभा भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाना चाह रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सारा भाई भारत को अंतरिक्ष में ले जाने का सपना देख रहे थे। जब भाभा और सारा भाई में दोस्ती हुई तो सारा भाई ने उन्हें बताया कि वो चाहते हैं कि इंडिया अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू करे। ये बात सुनकर भाभा बहुत खुश हुए। उन्होंने सारा भाई की मीटिंग नेहरू से करवाई। भाभा और सारा भाई ने मिलकर नेहरू को इंडिया का अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू करने के लिए मना लिया। उनके कहने पर साल 1962 में नेहरू ने इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि इनकोस्पार नाम से एक कमेटी बनाई, जिसे लीड कर रहे थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, और यहीं से शुरू होता है इंडिया का अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम। लेकिन इसी साल चीन अरुणाचल प्रदेश की तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर देता है और भारत चीन के बीच 1962 की जंग छिड़ जाती है। इस जंग में भारत को कमजोर देख नेहरू ये समझ गए कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए एटम बम भी बनाना जरूरी है और अंतरिक्ष में जाना भी। इसीलिए उन्होंने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को बहुत ही सीरियसली लिया। लेकिन सारी दिक्कत तो पैसे की ही थी।
लगातार अकाल और जंग के कारण सरकार के पास इनको स्पार को देने के लिए ज्यादा फंड नहीं था। तब हालातों को समझते हुए विक्रम साराभाई ने कम बजट में ही काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने नासा के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत इनको स्पार को नासा का नाइकी अपाचे रॉकेट लॉन्च करना था और इसके लिए जरूरत थी एक लॉन्चिंग स्टेशन की। भारत सरकार लॉन्चिंग स्टेशन बनाने के लिए साराभाई को कहीं भी जमीन देने को तैयार थी, लेकिन साराभाई को तलाश थी एक ऐसी जगह की जो भूमध्य रेखा के करीब हो। भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को इक्वली डिवाइड करती है, यानी कि धरती को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इतना तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है और इसकी स्पीड इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ सबसे ज्यादा होती है। यही कारण है कि जब भूमध्य रेखा पर से कोई भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो उसे ज्यादा रफ्तार मिलती है। भारत में ऐसी जगह कहाँ होगी जो इक्वेटर के पास हो, ये ढूंढते ढूंढते सारा भाई पहुंचे केरल के थुम्बा में। थुम्बा मछुआरों का एक छोटा सा गांव था जहां एक खूबसूरत सा चर्च था। जब सारा भाई चर्च में गए तब उन्होंने देखा कि उनके कंपास की सुई ना तो नॉर्थ में थी और ना ही साउथ में, यानी कि ये चर्च भूमध्य रेखा पर ही था। ये देखकर सारा भाई की खुशी का ठिकाना ना रहा क्योंकि उन्हें लॉन्चिंग स्टेशन बनाने के लिए सही जगह मिल चुकी थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये एक चर्च था और लोग यहाँ पर लॉन्चिंग स्टेशन बनाने के लिए कभी राजी नहीं होते। इसीलिए उन्होंने बिशप से खुद बात की और उन्हें समझाया कि वो कैसे ये सब देश के लिए कर रहे हैं। बिशप काफी समझदार थे, वो सारा भाई की बातों से इम्प्रेस हुए और थुम्बा में लॉन्चिंग स्टेशन बनाने के लिए चर्च वैज्ञानिकों को दे दिया। इतना ही नहीं, कहते हैं कि बिशप ने ही वहाँ के लोगों को राजी किया और सिर्फ 100 दिनों के भीतर ही इस छोटे से गांव के बड़े दिल वाले ये लोग अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जा बसे। इधर सारा भाई और उनकी टीम ने बिना वक्त गवाए चर्च में बैठकर ही काम शुरू कर दिया। चर्च की गौशाला में उन्होंने एक लैब बनाई, दिन रात काम किया और 21 नवंबर 1963 को जब लॉन्चिंग का दिन आया तब वैज्ञानिक साइकिल और बैलगाड़ियों पर रखकर रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स लॉन्चिंग स्टेशन तक लेकर आए। इन्होंने रॉकेट को जोड़कर लॉन्च पैड पर लगाया, सारी टेक्निकल दिक्कतों को ठीक किया और आखिरकार शाम के 6:25 पर इसे लॉन्च कर दिया गया। वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा ही कहें कि लॉन्च कामयाब रहा और इसी के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रख दिया। वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। नेहरू को भी यकीन हो गया कि उन्होंने गलत इन्वेस्ट नहीं किया है। उन्होंने सारा भाई को बधाई दी, लेकिन सारा भाई के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहे थे कि अब भारत को अपना खुद का रॉकेट बनाना होगा क्योंकि बिना रॉकेट के वो उपग्रह तो बना लेंगे लेकिन उसे अंतरिक्ष में नहीं भेज पाएंगे। इसीलिए 1963 में ही उन्होंने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर यानी कि SST का गठन किया जिसका काम था भारत के लिए अपने लॉन्चिंग व्हीकल बनाना। दरअसल लॉन्चिंग व्हीकल ही वो रॉकेट होते हैं जो सैटेलाइट को स्पेस में छोड़कर आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई कार या ट्रेन हमें एक से दूसरे शहर छोड़कर आती है। सारा भाई चाहते थे कि भारत के पास अपने लॉन्चिंग व्हीकल हो ताकि हम जब चाहें सैटेलाइट लॉन्च कर सकें। अब एक तरफ SSTC के वैज्ञानिक चुपचाप लॉन्चिंग व्हीकल बनाने में जुटे थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने साल 1964 में अपने सैटेलाइट SYNCOM-3 की मदद से टोक्यो ओलंपिक्स का लाइव टेलीकास्ट करके विश्व को अपनी स्पेस पावर दिखाई। ये पहली बार था जब दुनिया लाइव टेलीकास्ट देख रही थी और लोगों को समझ आ गया था कि आने वाले वक्त में सैटेलाइट दुनिया को बदल कर रख देंगे। इसीलिए स्पेस प्रोग्राम में सरकार की दिलचस्पी बढ़ती चली गई और 15 अगस्त 1969 को जन्म होता है इसरो का। देश 22वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनको स्पार को एक कमेटी से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ऐलान किया और इसका नाम रखा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसरो। इसरो के चीफ बने डॉक्टर विक्रम साराभाई। कहते हैं कि साराभाई के कहने पर इंदिरा ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की एक अलग विंग बनाई और इसरो को सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में कर दिया। सारा भाई चाहते थे कि भारत भी जल्द से जल्द सैटेलाइट बनाए और स्पेस में भेजे।
इसलिए उन्होंने इंदिरा से मीटिंग करके सैटेलाइट बनाने के लिए फंड और रूस से लॉन्चिंग व्हीकल मांगा। रूस ने हामी तो भर दी, लेकिन अप्रूवल आना अभी बाकी था। उधर सारा भाई की टीम तो पहले से ही सैटेलाइट बनाने में लगी थी। कहते हैं कि विक्रम सारा भाई को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। दिसंबर 1971 की एक रात जब वो इसी तरह से किताब पढ़ रहे थे, तब कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका देहांत हो गया। सारा भाई दुनिया को छोड़ गए और हर किसी को लगा कि अब प्रोजेक्ट रुक जाएगा। तब इसरो की कमान संभाली एमजी के मेनन और फिर सतीश धवन ने, और प्रोजेक्ट आर्यभट्ट की पूरी कमान संभाली यूआर राव ने। सारा भाई की मौत के 2 महीने बाद फरवरी 1972 में इस प्रोजेक्ट को लेकर त्रिवेंद्रम में मीटिंग होती है। इस मीटिंग में इंदिरा ने वैज्ञानिकों से पूछा, आखिर इस उपग्रह से देश को फायदा क्या है। इस पर यूआर राव ने कहा, अगर हम अंतरिक्ष फतह करना चाहते हैं तो हमारे पास ये पहला मौका है। हम बाकी देशों से कम खर्च में अपने स्पेस मिशन को पूरा कर सकते हैं। इससे देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा। इसे लॉन्च करने के बाद ही हम अंतरिक्ष के बारे में और ज्यादा जान पाएंगे। तब इंदिरा का दूसरा सवाल था, इसमें कितने रुपए खर्च होंगे। यूआर राव ने अपनी टीम के साथ बातचीत करने के बाद कहा कि करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इंदिरा ने ओके कहकर प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। इधर आर्यभट्ट बनकर तैयार हुआ, उधर रूस का अप्रूवल भी मिल गया। इसरो ने रूस के इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम की मदद से 1975 में अपना पहला उपग्रह लॉन्च करके एक नया इतिहास रच दिया। कहते हैं कि लॉन्चिंग के 5वें दिन ही आर्यभट्ट का कनेक्शन धरती से टूट गया था, लेकिन बाद में ये फिर से कनेक्ट हो गया और 17 सालों तक काम करता रहा। ये सारा भाई की सूझबूझ का नतीजा ही था कि एक तरफ जहां रूस और अमेरिका अंतरिक्ष फतह करने के लिए लड़ रहे थे, वहीं भारत समय समय पर इन दोनों की मदद ले रहा था। उधर इसरो की ही सब विंग SSTC के साइंटिस्ट भी कई सालों की मेहनत के बाद 1979 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV बनाने में कामयाब हो जाते हैं। 1980 में ये ही SLV रोहिणी सीरीज के पहले सैटेलाइट रोहिणी फर्स्ट को अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस करने में कामयाब हो जाता है, और इसी के साथ ही भारत अपना सैटेलाइट अपने लॉन्चिंग व्हीकल से स्पेस में पहुंचाने वाला दुनिया का 7वां देश बन जाता है। उस वक्त इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे इंडिया के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि अब रॉकेट भी अपने थे और सैटेलाइट्स भी, इसीलिए इसरो नई बुलंदियां छूने के लिए तैयार था। इन लॉन्चिंग व्हीकल से हर तरह के सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जा सके, इसीलिए हमारे वैज्ञानिक इन्हें एडवांस बनाने पर काम करने लगे। उन्होंने PSLV और GSLV को डिजाइन किया। 1990 में भारत ने अपना पहला PSLV रॉकेट बनाकर तैयार कर लिया, जिसका पूरा नाम था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये लॉन्चिंग व्हीकल या कहें कि रॉकेट 2 टन तक भारी सैटेलाइट को 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर फिक्स कर सकता था। इसकी मदद से इंडिया ने अपने पोलर सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने शुरू किए। पोलर सैटेलाइट वो उपग्रह होते हैं जो धरती के पोल यानी कि ध्रुवों पर चक्कर लगाते हैं। इनकी मदद से कम्युनिकेशन सेटअप किया जा सकता था और सरहदों की सुरक्षा की जा सकती थी। कहते हैं कि PSLV इसरो के सबसे सफल रॉकेट में से एक है, जो अभी तक सिर्फ 2 बार क्रैश हुआ है। साल 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को भी PSLV से ही भेजा गया था। PSLV की मदद से इसरो ने एक के बाद एक कई सारे सैटेलाइट सीरीज को लॉन्च किया। इसरो अगर ये उपग्रह अंतरिक्ष में नहीं भेजता तो आज गांव-गांव में टीवी ना होता, फोन ना होते, ना ही समुद्री तूफानों के बारे में हमें पहले से पता चल पाता। लेकिन जाते हुए समय के साथ अब बारी थी 900 किलोमीटर से भी ऊपर जाने की, क्योंकि इसरो को अपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करने थे। ये उपग्रह 36,000 किलोमीटर ऊपर जाकर धरती के साथ साथ उसकी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। एक ही जगह की निगरानी करने या जासूसी के लिए अमेरिका और रूस इस तरह के सैटेलाइट पहले से बना रहे थे। तब इसरो ने रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन फिट किया और बनाया जंबो रॉकेट GSLV, जो सैटेलाइट्स को बहुत ही आसानी से हजारों किलोमीटर ऊपर तक ले जा सकता था। साल था 1999। GSLV पर इसरो की टीम काम कर रही थी, लेकिन तभी भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल में जंग छिड़ जाती है।
उस दौरान भारत ने अमेरिका से दुश्मन के लोकेशन का पता लगाने के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी शेयर करने की दरख्वास्त की, लेकिन अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। इसरो ने देश के लिए नेविगेशन सिस्टम बनाने की ठानी और नेव आईसी नाम से इंडिया ने अपने नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया, जो भारत के आसपास के 1500 किलोमीटर तक के इलाके पर नजर रख सकता था। इसरो के ये सैटेलाइट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए तीसरी आंख साबित हुए। उधर देश की सरहदों को मजबूत करने के बाद इसरो को एक और कामयाबी मिली साल 2014 में, जब भारत ने मंगल ग्रह पर मंगलयान भेजा। कहते हैं कि पहली कोशिश में ही इसरो का मंगलयान कामयाब हो गया था और एक बार में ही इस मिशन को सक्सेसफुल कर दिखाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। उस वक्त भारत का मजाक बनाते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून पोस्ट किया था, जिसमें भारत मंगल के दरवाजे पर गाय लेकर खड़ा था। लेकिन इसका जवाब इसरो ने दिया अपनी अगली कामयाबी से। ये कामयाबी थी चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सुरक्षित उतरने में कामयाब हो गया। पूरी दुनिया ने देखा कि चांद के जिस सरफेस को रूस, अमेरिका और चीन तक ना छू पाए, उसे भारत ने छू लिया था। इसी के साथ इसरो ने चांद पर भारत का झंडा गाड़ दिया। भारत के चंद्रयान 1 ने ही दुनिया को बताया था कि चांद की सतह पर पानी है, और अब चंद्रयान 3 चांद के दूसरे रहस्यों को भी उजागर करेगा। अपनी इस कामयाबी से खुश इसरो आने वाले वक्त में वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के लिए चल रहे अपने मिशन पर काम कर रहा है। उम्मीद है कि अक्टूबर 2023 में ही इसरो गगनयान भी भेज देगा। बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसरो देश के लिए सिर्फ स्पेस मिशन को ही कंडक्ट नहीं करवाता, बल्कि पैसा भी कमाता है। इसरो का मुनाफा बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से भी ज्यादा है। जब साल 2022 में सरकार से ये पूछा गया कि इसरो का खर्चा कैसे चलता है, तब सेंट्रल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि इसरो के पास कई ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, जिनके लिए सैटेलाइट लॉन्च करके साल भर में ही इसने 2320 करोड़ रुपए कमा लिए। इतना ही नहीं, रिमोट सेंसिंग डेटा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट सर्विसेज, नेविगेशन सर्विसेज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कंसल्टेंसी से भी इसरो को जबरदस्त मुनाफा होता है। इसरो कम खर्च पर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दुनिया भर में मशहूर है, इसीलिए कई देश अपने सैटेलाइट इसरो से ही लॉन्च करवाते हैं। इसरो को महान बनाते हैं इसके वैज्ञानिक। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद से ही जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भारतीय संस्कृति को साथ रखने वाली ब्यूटी विद ब्रेन हमारी इसरो साइंटिस्ट की हर तरफ तारीफें हो रही है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान 3 मिशन को लीड करने वाले साइंटिस्ट वीर मुथुवेल एक रेलवे कर्मचारी के बेटे हैं। वहीं चंद्रयान 2 मिशन को डायरेक्ट करने वाले हमारे साइंटिस्ट के सिवान बचपन में आम बेचकर गुजारा किया करते थे, लेकिन देश को सितारों की दुनिया में ले जाने में इन्हीं वैज्ञानिकों ने जी जान लगा दिए, और ऐसे ही साइंटिस्ट की वजह से शुरू से लेकर अब तक इसरो कामयाब बना रहा है। दोस्तों, विक्रम साराभाई, यूआर राव, डॉक्टर भाभा, अब्दुल कलाम, सतीश धवन समेत हर वैज्ञानिक देश के लिए हीरो है। देश के इन्हीं सितारों से जुड़ी कहानियां अगर आप डिटेल में सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इतिहास के पन्नों से खोज कर इसरो की ये कहानियां हम लेकर आए थे खास आपके लिए। इसीलिए आप हमें ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और ऐसी ही स्टोरीज को शॉर्ट में सुनने के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।